नमस्कार किसान साथियों, बात करते हैं प्याज को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्याज को लेकर अब आने वाले दिनों में कितना रेट और बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी सटीक जानकारी बताऊंगा, क्योंकि किसान साथियों जो कारण है आने वाले दिनों में अच्छी खासी पकड़ को जो देखने को मिलेगा मंडियों में, उसका क्या कारण है। क्योंकि किसान साथियों, दिसंबर लास्ट महीना चल रहा है, 2021 का लास्ट महीना चल रहा है और ये लास्ट दिसंबर महीना है और लास्ट दिन ही चल रहे हैं किसान साथियों, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और किसान साथियों लगभग तेजी और ज्यादा आने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो मंडियों के भाव हैं, किसी मंडी में 2500 रुपए से भी भाव हैं, 2500 रुपए के अप के भाव देखने को मिल रहे हैं। और महाराष्ट्र की साइड की मंडियों की अगर बात करें तो 3000 से भी ज्यादा के जो भाव हैं इस समय देखने को मिल रहे हैं। तो किसान साथियों, वर्तमान समय में अगर मंडियों की जो स्थिति है वो किसान साथियों आवक अगर मंडियों में नहीं ज्यादा बढ़ी तो अच्छी खासी पकड़ देखने के ज्यादा चांस नजर आ रहे हैं। अगर भयंकर आवक देखने को मिली तो किसान साथियों सेम रेट देखने के ज्यादा चांस नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर बात करूं मंडी की जो स्थिति है, अगर मंडियों में सभी मंडियों में इस समय पुराने प्याज की ज़्यादा डिमांड निकल कर आ रही है, क्योंकि इस समय अब मंडियों में नया प्याज आना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में किसान साथियों, अगर और ज़्यादा जो निर्यात है, निर्यात पर भी अगर फोकस डाला गया तो अच्छी खासी पकड़ कहीं ना कहीं देखने को और ज़्यादा आगे वाले दिनों में मिलेगी। लेकिन फिर भी किसान साथियों, मैं आपको बता दूँ, आप अपनी फसल का जो निर्णय है वो अपने ही विवेक से लें।